हाय, लेट्स लर्न टू मैनिफेस्ट विथ क्रिस्टल्स टुडे। क्या आपको पता है क्रिस्टल अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट टू मैनिफेस्ट विथ। मैनिफेस्टेशंस करने के लिए आप कोई भी अलाइनिंग क्रिस्टल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है देन द बेस्ट ऑप्शन टू हैव इज ए पायराइट रॉ क्लस्टर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोन नॉट ओनली फॉर मैनिफेस्टिंग मनी बट ऑल्सो ए मैनिफेस्टेशन स्टोन। Having a pyrite geode is a must. अगर आपके पास ये नहीं है तब तक आप अपने bracelets भी use कर सकते हो for your manifestations. How to manifest? सबसे पहले हम अपना left hand लेंगे। Left hand से हम चीज़ें receive करते हैं और उसके ऊपर अगर हमें अपना bracelet रखना है तो bracelet रखेंगे या हमें geode रखना है तो geode रखेंगे। उसके बाद हम अपना राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड से हम चीज़ें देते हैं। सो हम अपने इंटेंशंस अपने स्टोन्स में देंगे, एनीथिंग वी वांट। सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड देंगे टू अवर क्रिस्टल्स कि थैंक यू दैट यू हैव कम इनटू माय लाइफ, थैंक यू मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, थैंक यू फॉर चूजिंग मी। जो ग्रैटिट्यूड देने के बाद हम अपने क्रिस्टल्स को इंटेंशन देंगे, उनको बोलेंगे कि हम क्या चाहते हैं। और इसको इस तरह से बोलना है कि थैंक यू मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, थैंक यू मुझे जितने पैसे चाहिए थे मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी आप चाह रहे हो उसको प्रेजेंट टेंस में और थैंक यू बोल के क्रिस्टल्स को बोलना है। एक बार आपने अपने इंटेंशन बोल दिए उसके बाद तुरंत अपने ब्रेसलेट को पहन लो। अगर आपने ये सुबह किया है पहन के अपने काम पे जाओ। अगर रात को ये कर रहे हो तो ब्रेसलेट को अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओ। अगर आपने पायराइट से किया है तो कैरी द पायराइट विथ यू फॉर द एंटायर डे। अगर रात को कर रहे हैं अपने पायराइट को अपने बेड साइड टेबल के साइड में रख के सो जाओ, एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ कमिंग टू यू एंड इट इज़ ऑलरेडी डन।